अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं लेके आया हूँ वेट लूज़ की रेसिपी। लोगों का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, कराची की लाइफ बहुत फास्ट है, लोग कामों में लगे रहते हैं, वॉक करते नहीं हैं, खाने पीने का ख्याल रखते नहीं है, खाया पिया और लेट गए, बस सो गए और मोबाइल में लगे रहे, तो वेट जो है, वज़न जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। आप थोड़ा सा अगर अपना सेहत का ख्याल रखें तो आप अपने वज़न को कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसी रज़ाएँ इस्तेमाल करें जिससे आपका वज़न आपके हाथ में रहे, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि ज़्यादा मोटापा भी एक बीमारियों की आमाजगा होती है। इसी सिलसिले की एक कड़ी मैं आज लेके आया हूँ, वेट लूज शेक। ये आपके वज़न को बहुत तेज़ी से कम करेगा और शुगर के पेशेंट के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका वज़न भी बहुत तेज़ी से कम करेगा और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं एक चम्मच भर के लूँगा ओट्स का। ओट्स बहुत ताकतवर होता है, फाइबर होता है इसके अंदर। और मैं लूँगा थोड़ा सा पानी और इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए मैं इसको सोक होने के लिए छोड़ दूंगा। और इसमें लूंगा मैं तकरीबन 6 से 8 दाने, आठ अदद ये बादाम के, इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा ताकि अच्छे से सोक हो जाए, फूल जाए, फिर मैं इसको अपनी रेसिपी में शामिल करूंगा। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखें, हमारा ओट्स अच्छी तरह से फूल चुका है। अब मैं आगे की रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लेता हूँ मैं जग, और जग में मैं अपना ये बादाम और ओट्स इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लूँगा थोड़ा दूध, एक अदद केला, केला बहुत ताकतवर चीज़ होती है। केला आप एक केला रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके जिस्म को बहुत ताकत बख्शता है। लूँगा थोड़ा शहद, मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसमें शहद का इस्तेमाल करूँगा। मैं बर्फ़ शामिल करूँगा, हद ज़रूरत आप बर्फ़ जितनी चाय ले सकते हैं, आपको चिल करना है थोड़ी ज़्यादा ले लें। बस इतनी बर्फ़ मेरे लिए काफ़ी रहेगी। अब मैं इसको ब्लेंड करता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी शहद से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देता हूँ ग्लास की। इसमें थोड़ी सी बर्फ ले लेता हूँ और लेता हूँ अपना शेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं डालूंगा चिया सीड। चिया सीड कैल्शियम से भरपूर होता है और बहुत ताकतवर गज़ा है ये। इसको मैंने जो है भिगो के लिया है। थोड़ा सा चिया सीड में दिखाने के लिए डाल रहा हूँ उसमें गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा शहद डाल देता हूँ।
बहुत ही ताकतवर फाइबर, कैल्शियम से भरपूर वेट लूज शेक मेरे हाथ में है। इसको आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत ताकतवर है। जी, जिन्हें खाने का मौका देर से मिलता है, दफ्तर जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी भी बना के ये पी के जा सकते हैं। उनके जिस्म की तवानाई पूरी जो उनको उनको मिल सकती है। मैं पी के बताता हूँ कैसा बनाएं। बिस्मिल्लाह भाई, ज़बरदस्त है, पिए तो भी बस। अपने जिस्म की फालतू चर्बी को कम करने के लिए, अपने वज़न को कम करने के लिए मेरी इस रेसिपी को आजमाएं, यकीन करें बहुत फ़ायदा होगा। 2 से 3 हफ्ते में ही आप ये पियेंगे 1 गिलास रोज़ाना, तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से, आपकी चर्बी बहुत तेज़ी से पिघलेगी, बहुत तेज़ी से वज़न कम होगा इसका। बस मैं तो ये कहता हूँ, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खाते पीते रहें। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो की इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।